ना जाने कौन ने तुमको अकल दे दी, ना जाने कौन ने तुमको ऐसी बुद्धि दे दी कि भगवान को डलिया में लेकर जहां जाओ भगवान को डलिया में लेकर जाओ। ये कौन ने अकल दी, ये कौन ने बुद्धि दी तुमको, कौन ने कहा तुमसे कि तुम भगवान को डलिया में बिठाकर उनके धक्के खिलाओ। ना जाने कौन नारी कैसी, ना जाने कौन पुरुष कैसा, तुम्हारे हाथ झूठे हो रहे हैं, पात्र झूठे हो रहे हैं। ये अकल दी कौन ने तुमको कि इनको साथ में ले लेकर घूमो। ना, वो घर का सेठ है, घर का मालिक है, तुम कहीं पर भी जाओ संभालना उसकी जवाबदारी है। संभालना उसकी जवाबदारी है। शिवलिंग है घर में रखो। आप अगर घर से बाहर जा रहे हो, कहीं जा भी रहे हो, तो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, विराज रहे हैं, उनके लिए एक डब्बी में मिश्री रखकर आओ। जैसे तुम कहीं जाती हो तो बच्चों के लिए कुछ रखकर आती हो, यहाँ आई हो तो रोटी बनाकर आई हो, पति के लिए टिफिन लगाकर आई हो, बच्चों का टिफिन लगाकर आई हो, कोई बच्चा वापिस आएगा स्कूल से तो क्या खाएगा, उसके लिए डब्बे में रख के आई हो, तो उसी तरह घर के ठाकुर जी के लिए रखकर जाओ। मिश्री डब्बी में भरकर रखो, सामग्री रखो, थोड़ा झारी जी भर दो, जल भर दो, जल रख दो उनके पास में कि मैं लेट हो जाऊं तो तुम पाले। विश्वास जगाना है, ढोंग नहीं, प्रपंच नहीं, छल नहीं, दिल से भाव जागृत करिए। हमारे भीतर से भाव जागृत होगा तू भगवान मिलेगा, तू भगवान मिलेगा। 24 घंटे जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, तो भगवान नहीं मिलता। और मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, नरसिंह जैसे भगत नहीं जपते, बस केवल उसको तक तक ही लगा कर देखते ही रहते हैं तो परमात्मा मिल जाता है। दिल से मिलता, प्रपंच से नहीं, टोंग से नहीं, छल से।